आज के लेक्चर में हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो जो भी इस लेक्चर को लोग देख रहे हैं उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो पहले उसको देख लें अगर वो वीडियो नहीं देखी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो इसमें इसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है इसके अंदर, कि सपोज लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमेशा की तरह एक अजम्पशन मान रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब मैं यहां से इंटरेस्टेड हूं एक इवेंट की प्रॉपर्टी फाइंड करने की, जो कि क्या है, इनका इंटरसेक्शन। देन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या डिनोट करता है? डिनोट्स द इवेंट। ये किस इवेंट को डिनोट करेगा? कि बोथ द इवेंट ए एंड बी हैव ऑकर्ड, बोथ द इवेंट्स ए एंड बी हैव Have ऑकर्ड। occurred. ये समझ में आई बात क्या है कार्तिक? यहां पे इसमें क्या है कि सपोज को दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए भी ऑकर हो रहा है और बी भी ऑकर हो रहा है। इंटरसेक्शन बी में तुम कौन से एलिमेंट्स ढूंढ रहे हो जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? मतलब अगर ये होता है तो ए भी हुआ और बी भी हुआ, यस सर, जो दोनों में है। ओके सर, क्लियर? यस तो सर, इसमें समटाइम्स हम इसको, ये नोटेशन हमने जब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो जो ये ए इंटरसेक्शन बी है इसको मैं शॉर्ट में कई बार ए बी भी लिख देता हूँ। ओके मतलब सर, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ थोड़ा पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं यूनियन कर दूंगा गलती से। हाँ नहीं, ठीक है, तुम नॉर्मली लिखना जैसे हम लिखते हैं हमेशा। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इस सिचुएशन को और बेटर समझने के लिए, कि सपोज तुम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ड्राइंग टू कार्ड्स वन आफ्टर द अदर। तुम क्या कर रहे हो? ड्राइंग टू टू कार्ड्स विदाउट कार्ड्स रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर द अदर। यस, वो डिपेंड करता है वैसे। मतलब एक निकाल लिया उसके बाद, वैसे वन आफ्टर द अदर का मतलब है पहले एक निकाल लिया फिर दूसरा निकाल लिया, तो ऑब्वियसली विदाउट यस सर, रिप्लेसमेंट। यस सर, तो इसमें तुम एक इवेंट ए डिफाइन कर सकते हो कि प्रॉबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, इवेंट इवेंट में प्रॉबिलिटी नहीं, सिंपली ड्रॉइंग अ किंग, ड्रॉइंग अ ये हो चुका है ना सर, हमारा इवेंट हो चुका है ना इसमें, तो क्या चीज, मतलब मतलब कि इवेंट ऑफ ड्राइंग अकाउंट, तो सर मतलब कि हो चुका है ना सर, निकाल लिया है या फिर अभी हम निकालेंगे? मैंने तुम्हें ये एक सिचुएशन दी है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो इवेंट्स हैं। यस पहला इवेंट क्या है कि ड्रॉइंग अ किंग, तुम एक ओके किंग सर, निकाल रहे हो, तो किंग के लिए फेवरेबल क्या है? चार कार्ड्स हैं, यस सर, नेचर कोई निकाल रहे, ओके, कोई भी उनमें से आ जाए, यस सर, तो इसके प्रॉबिलिटी ऑफ 4/52। यस ये होगी। अब वन आफ्टर द अदर, तुम्हारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है, तुमने ए निकाल लिया, अब बी के यस निकालने की क्या सर, प्रॉपर्टी है? तो जो कंडीशनल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सर, तो हमारा हो जाएगा 13/48। नहीं, सॉरी, 12/48। 1 सेकंड रुको, तुम थोड़ी देर के कंडीशन को यहां भूल जाओ। यहां देखो सिंपली ओके, एक स्पेड को निकालने की प्रॉपर्टी क्या है। 13/52। अब मैं इस सिचुएशन में एक और इवेंट में इंटरेस्टेड हूं, अब मैं एक और इवेंट में इंटरेस्टेड हूं, वो क्या है? ड्राइंग अ किंग
एंड अ स्पेड, ड्रॉइंग अ किंग, एंड अ स्पेड, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझो ध्यान से, ड्रॉइंग अ किंग एंड अ स्पेड, स्पेड, तुम किंग भी निकाल रहे हो और स्पेड भी निकालना चाह रहे हो, तुम दो कार्ड्स निकाल रहे हो, यस सर, क्या निकाल रहे हो, किंग दो निकाल रहे हो कार्ड्स, और स्पेड निकाल रहे हो, तो यहां पे मैं कौन से इवेंट की प्रॉबिलिटी में इंटरेस्टेड हूं, ये ए इंटरसेक्शन बी, बी, लेकिन ये यहां पे अब मैं इसको रिलेट करने वाला हूं कंडीशनल प्रॉबिलिटी से, किससे रिलेट करने ओके वाला सर, हूं, कंडीशन कंडीशनल प्रॉब्लम, प्रॉबिलिटी। तो इवेंट ए क्या है इसके अंदर कि ड्रॉइंग अ किंग वो हो चुका है, यस सर, अब तुम बी निकालना चाह रहे हो, मतलब बी इवेंट होगा गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो उसको मैसेज ले सकते हैं, यस सर, बट इसको मैं और कैसे ले सकता हूं, जो पहले वाला फॉर्मूला है, मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया, इसको अगर फॉर्मूला अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये क्या बनेगा यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन प्रॉबिलिटी, कि प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ ए, यस सर, प्रॉबर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रॉबर्टी ऑफ ए। यस सर, अब जो आज की क्लास है यहां पे मैं कौन से क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हूं, प्रॉबर्टी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी, इंक्लूजन बी, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, तो लेकिन जो मैंने कंडीशन प्रॉबर्टी पढ़ी हुई है मैं उसकी हेल्प से भी तो निकाल सकता हूं इसको, अब यहां यस से सर, ये इसके बराबर हो गया ना, ये चीज यस सर, यहां से प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यस सर, टू ऑफ ए, ओके, ये क्लियर है यहां तक। यस सर, तो इसमें क्या है कि इसको देखो देखो मैंने कैसे लिखा है, इसी को समझना है ध्यान से, इसी को समझना है, करती जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट रुको, तो यहां पे अब इसको समझते हैं, इसमें एक चीज की यहां पे मैंने क्या बोला कि जो राइट हैंड साइड है इसको समझो थोड़ा ध्यान से कि ये इंटरसेक्शन के बराबर क्यों है, तुमने बोला कि पहले इवेंट ए ऑकर हो गया, अब तुम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रॉबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑकर्ड, तो ये दो क्वांटिटीज किसके बराबर हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ उन इंटरसेक्शन उनके की, ज्वाइंट ऑकरेंस की, कि ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है एक साथ, यस सर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉबेबिलिटी है उसको तुमने एक्सप्रेस किया है एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्रॉबर्टीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टू प्रॉबर्टीज, प्रोबेबिलिटी, प्रॉबर्टी ऑफ टू इवेंट्स, तो दैट्स वाई दिस थिंग इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसका नाम इसलिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो ए और बी को दो रैंडम एक्सपेरिमेंट है और तुम उनके ज्वाइंट ऑकरेंस की प्रॉबर्टी निकालना चाहते हो, तो वो सेम है कि पहले एक इवेंट जो हो गया है उसकी प्रॉबर्टी टाइम्स जो दूसरा इवेंट अब जिसकी तुम प्रॉबर्टी फाइंड करना चाहते हो गिवन दैट द इवेंट फर्स्ट इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो उनकी प्रॉबर्टी का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, प्रॉबर्टी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट साइमल्टेनियसली। तो यस सर, यहां से मैं एक और तरीके से जो ये हमारा ए कंडीशन बी था, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं यहां से, तो ये बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रॉबर्टी ऑफ बी, तो यहां से भी मैं प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, पहले लिखो कि जो इवेंट हो गया है, पहले क्या है इवेंट हो गया प्रॉबर्टी ऑफ बी टाइम्स, यस सर, प्रोबेबिलिटी, अब लिख इस मल्टीप्लाई करो कि जिसकी निकाल रहे हो गिवन दैट एक हो चुका है, ऐसे लिखो इसको, ऐसे इस चीज को भी कैसे लिखो कि पहले जो हो गया है टाइम्स जो दूसरा अब जिस इवेंट की तुम्हें निकालनी है गिवन कि वो हो चुका है, ऐसे सर,
तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। ऑफ कोर्स दोनों केसेस में मैं एक चीज अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉबर्टी ऑफ ए है ये नॉन जीरो है, और यहाँ पे क्या है प्रॉबर्टी ऑफ बी नॉन जीरो है। हुआ है तो मतलब नॉन जीरो है ना, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि हमने बस फॉर्मूले को इधर उधर थोड़ा कर दिया है इधर उधर उससे हम। तो इधर उधर तो किया है, लेकिन यहाँ पे अब मैं जो मतलब समझो यहाँ पे मैं जो इंटरसेक्शन वाला इवेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इवेंट्स। तो जो प्रॉपर्टी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसकी वजह से जो थ्योरम है इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सर आप इसका एक बार एग्जांपल ले लो कार्ड्स का। हाँ इसी को देखो यहाँ पे जो तुमने ऊपर चल रहा था एग्जाम्पल। अब मेरे को किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, इंटरसेक्शन बी की। की इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ड्रॉइंग अ किंग प्रॉब्लम एंड ड्रॉइंग अ स्पेड। स्पेड। तो सर इसमें एक मिनट मैं ट्राई करूंगा थोड़ा। सर ड्राइंग अ किंग तो सर चार किंग होते हैं फोर बाई 52। और यस सर, और जो स्पेड है हमारा वो हमारा 13 होते हैं। तो सर अगर हम टोटल इनका वो करें लगी ऐड करें लगी लगी एंड है तो इंटरसेक्शन है, बट अगर हम उनको देखें टोटल कितने कार्ड्स हैं स्पेड और किंग के, तो हम लाइक 13 प्लस 3 होगा ना सर, क्योंकि एक स्पेड लेकिन किंग ऑलरेडी एक स्पेड में है, तो 16 बाय 52 क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन समझो, देखो पहले क्वेश्चन को ओके समझो, क्वेश्चन नहीं है अभी तुम्हें क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या है कि ओके टू कार्ड्स निकाल रहे हो वन आफ्टर द अदर, पहले एक यस सर। निकालते हो फिर उसको दोबारा से डाल के फिर दूसरा निकाल रहे हो। दोबारा वापस डेक में डाल दिया। वेट, मैंने क्या बोला, टू कार्ड्स वन आफ्टर द अदर, पहले एक निकाल रहे वाप हो फिर दूसरा निकाल रहे हो। यस सर, आपने बोला कि एक वापस डाल दिया हाँ अगर तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता तो वो अलग चीज़ है। यस सर। अब यहाँ पे मैंने पहले ए और बी बता दिए, दो इवेंट्स क्या हैं उनकी प्रॉपर्टीज बता दी। यस सर अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज मेरे को निकालनी है इनके इंटरसेक्शन वाले इवेंट की प्रॉपर्टी की, ड्रॉइंग अ किंग एंड अ स्पेड। अब मैं यस सर इसको, अब देखना मैं इस चीज को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा यूजिंग जो ये फॉर्मूला बताया मैंने। मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा कि सपोज पहले मैंने किंग निकाल लिया, क्या निकाल लिया, किंग तो किंग की प्रॉपर्टी क्या है। 4 बाय 52 अब मैं निकालूंगा टाइम्स एक स्पेड गिवन दैट कि एक किंग निकल चुका है। ध्यान से देखना इस चीज को, तुम्हारे पास अब सैंपल स्पेस में क्या चार एलिमेंट्स निकाली, तुमने क्या किंग ड्रॉ किए हैं, सर। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, चार किंग, एक यस स्पेड सर का, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। यस सर अब इन चार में से एक स्पेड आने की क्या प्रॉपर्टी है, 1 बाय 4 यस एक स्पीड आने की क्या प्रॉपर्टी है, ओके 1 बाय 4 समझ गया तो ये 4 बाय 52 इनटू वन बाय टाइम्स फोर 1 बाय 4, तो ये क्या हो गई 1 बाय 52। यस सर आप इस चीज को एक दूसरे तरीके से देखो, तुम दो कार्ड्स निकाल रहे हो जिनमें एक किंग है और एक स्पेड है और ये यस एक सर साथ निकल रहे हैं वन आफ्टर दी अदर। यस सर तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये एक साथ कब निकल पाएंगे, एक चीज समझना ध्यान से। पहले तुमने एक सपोज एक स्पेड निकाल लिया, यस सर स्पेड निकाल लिया तुमने या कोई भी एक निकाल लिया, सपोज तुमने स्पेड निकाल लिया, एक कार्ड है तुम्हारे पास। अब मैं बोल रहा हूं कि अब एक किंग भी निकालो, ओके सर जो स्पेड भी हो क्वेश्चन समझो ध्यान एक से। की यस सर यहां पे क्या है, ड्रॉइंग अ एक किंग एंड अ स्पेड। यस सर। अब एक ऐसा किंग निकालना जो स्पेड में भी हो। हाँ एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो। एक ऐसा किंग जो स्पेड तो अगर स्पेड में से निकाल रहे सर एक किंग सिर्फ स्पेड में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 13 है यस अगर। हाँ हाँ तो नहीं सर नहीं सही रुक बोल जाओ, रहा हूँ ना मैंने कि कुछ वेट
ड्रॉइंग अ किंग, सिंपली तुम्हें किंग निकाल रहे हो. किंग निकालने की प्रॉपर्टी ये क्या है? 4 by 52 यस. एक स्पेड निकालने की प्रॉपर्टी क्या है? 13 by 52 ये 4 हो गया. यस सर 1 by 52 यस सर तो ये वो प्रॉपर्टी तो 1 by 52 आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना से कुछ और, एक कार्ड के सेंस में समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, विदाउट फॉर्मूला, कि ओके सर जो तुम कार्ड निकाल रहे हो, ड्रॉइंग अ किंग एंड अ स्पेड, यस सर तो यहाँ पे कोई खाली एक ही कार्ड होगा जो एक किंग भी होगा और स्पेड भी होगा. यस सर इसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मतलब मैं वो तो सर यस सर ओके दो तो तरीके एक बता ही दिए कार्ड हम फेवरेबल है तुम्हारे लिए, यस सर किंग ऑफ स्पेड. यस सर इसको एक और एग्जांपल देखो, कुछ से एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं. सपोज एग्जांपल स्पेस ले लो, ए इवेंट देखो, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. बी में देखो, गेटिंग बताओ कोई इवेंट बी उससे. टिंग एटलीस्ट वन टेल ओके, ए में क्या क्या आ गया? HHHTTH टीम बी में क्या आ गया? HTTHTT ओके, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी. पहले इस इवेंट को समझो, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. यस सर तो क्या क्या आएगा इसमें? HTTH खाली यही दो चीजें सेटिस्फाई कर रही है ना इस कंडीशन को, यस सर और तो कोई कर नहीं रही कि दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई हो, वो आउटकम्स जो है कम से कम एक बार हेड भी हो और कम से कम एक बार टेल भी हो, तो वो जो दो बाकी आउटकम्स हैं वो तो सेटिस्फाई नहीं करते ना ये चीज. यस सर एच एच में टेल नहीं मिल रहा, टी टी में हेड नहीं मिल रहा एक बार. यस सर ये इवेंट समझ में आया अभी? यस सर अच्छा, अब इसको निकालेंगे हम. तुम डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकालोगे तो दिख ही रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 by 2 आ रहा है, 2 by 4 मतलब. यस सर मैं इसको तुम्हें निकलवाऊंगा उससे, हाँ, जो मेरे को प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है यूजिंग, कि सपोज प्रॉपर्टी पहले इवेंट ए होकर हो गया, ए होकर हो गया टाइम्स प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. ओके सर तो तो प्रॉपर्टी ऑफ हमारा ए क्या है? इंटरसेक्शन तो ओके अच्छा ए क्या तो है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर है हमारा एटलीस्ट वन सर 3 by 4 हाँ, टाइम्स. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बी रिड्यूस हो गया, ये बन गया सैंपल स्पेस. यस सर तो इसमें हमारा 2 by 3 आ गया प्रोबेबिलिटी क्या आ गया अच्छा ही नहीं हाँ 2 by 3 सर इसमें? दो कॉमन इसमें तुम्हें बी बी के होने के लिए, मतलब ये यस दोनों हो गए ना, यस सर TH और HT तो तो टू टू बाय बाय थ्री 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 ये सिंप्लीफाई करके कितना बन गया? 1 by 2 1 by 2. यस सर ये तुम्हें डायरेक्ट भी मिल रहा था, लेकिन इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया? इन टर्म्स ऑफ द मल्टीप मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. ओके सर क्लियर? यस सर इसको समझो, देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि समझ हम गया सर ये ज्वाइंट तो ऑकरेंस निकालो, या फिर कहता है कि एक हो गया अब दूसरे के होने की क्या प्रॉबिलिटी है, तो मतलब तुम वही आउटकम नहीं ढूंढ रहे जो एक में तो थे ही पहले से, अब दूसरे में यस भी ढूंढ सर रहे हो, तो मतलब वो दोनों में कॉमन है ना. यस सर वो लेफ्ट साइड में वो चीज समझ पा रहे हो? मैं राइट साइड को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ लेफ्ट टर्म्स में, कि तुमने एक तो पहले प्रॉबिलिटी एक इवेंट की निकाल ली, अब कह रहा हूं कि अब बताओ कि दूसरे के होने की क्या प्रॉबिलिटी है कि ये हो चुका है, तो मतलब उसमें मैं कौन से आउटकम्स ढूंढ रहा हूं जो ऑलरेडी पिछले वाले इवेंट में थे. अगर यस सर ऑलरेडी पिछले में थे और मैं इसमें भी ढूंढ रहा हूं, तो मतलब मैं वो कौन से ढूंढ रहा हूं जो दोनों में है, यस सर और दोनों में है तो मतलब वो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन है इंटरसेक्शन. यस तो सर समझ में आई चीजें आपस में रिलेटेड कैसे हैं, मतलब यस सर क्लियर? यस सर तो ये था. और कोई एग्जांपल करना है बताओ. ये सर समझ गया
तो ये थी हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसका नाम था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रॉपर्टीज। यस सर, इसमें हम दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ वन इवेंट एट टाइम्स अ कंडीशनल इवेंट, यस सर, प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते यस, हैं, मल्टीप्लिकेशन हो मल्टीप्लिकेशन, रहा है ना वहाँ पे, तो वो पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रॉपर्टीज। यस सर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट। ओके सर।